शाम के नफारे का शाम से बुलाएं तो लगे हैं कि आप
तो बहुत सारे हजरात इस बात को जानते हैं कि आज से तकरीबन 1.5-2 साल पहले नियाज होटल में असासाए अदब के नाम किताब के नाम से एक किताब का रस्म इजरा हुआ था, और वो किताब थी बेलगाम की सरजमीन से जुड़ी हुई 100 साल पुरानी शख्सियत सैयद मोहम्मद हुसैन दाग साहब की का लिखा हुआ कलाम था, जिसको उनकी औलाद ने नस्ल दर नस्ल बाकी रखा था और मुझ तक पहुंचाया था। और लॉकडाउन के ज़माने में मैंने उसे मुरतब किया था, तकरीबन 1.5 साल पहले उसका रस्म इजरा हो गया। तो चूंकि जैसे कि आपने सुना, वो कलाम 100 साल पुराना था और लिखा हुआ था सिस पेंसिल से और इंक पेंसिल, और उन सफहात की हालत बिल्कुल खस्ता से खस्ता तरीन थी। तो लॉकडाउन के ज़माने में मैंने उसे मुरतब किया, अपनी तहरीर में उसे मुंतकिल किया बहुत सारी पेचीदगियों और दिक्कतों का सामना करते हुए, और उस कलाम को अपनी तहरीर में मुंतकिल करने के बाद मैं साहिब किताब आज के इस मजलिस के साहिब किताब जनाब डॉक्टर मोहम्मद यासीन तराजगर साहब की खिदमत में गया और मैंने उनके सामने ये मुसव्वदा रखा कि मैंने एक सदी पुराना कलाम मुरतब किया है और फिर अगले मराहिल में आपके ताबुन की ज़रूरत है। तो मेरी उम्मीद से बढ़कर यासीन राही साहब ने उसके बाद के तमाम मराहिल, बल्कि उस प्रोग्राम उस किताब के रस्म इजरा के प्रोग्राम के इनेकाद तक भी राही साहब ने अपना 100% से ज़्यादा ताबुन दिया। उनकी खिदमत में मेहमान की दस्तखत शुदा इस किताब को उनकी खिदमत में पेश करता हूँ। शुक्रिया के साथ जिनके किरदार से आती है सदाकत की महक, जिनके किरदार से आती है सदाकत की महक, उनकी तदरीस से पत्थर भी बन जाते हैं। मैं आपको पता तो चलूँ कि राजगढ़ सर मैं इस्लाम में हाई स्कूल में तकरीबन 25 साल से ज़्यादा मिलकर हमने अपने निर्माण अंजाम दिया, और इन 25 साल के लंबे अरसे में जो मैंने अच्छी बातें आपके लिखी हैं उस पर रोशनी डालने की कोशिश कर रहे हैं। APJ अब्दुल कलाम अपनी किताब कई साफ पाया में कहते हैं कि अल्लाह ताला ने इस दुनिया में किसी बंदे को बेमकसद पैदा नहीं किया, बल्कि अल्लाह ताला ने हर एक बंदे को एक गुना और एक छोटी अदा किया है। लेकिन अल्लाह के चंद ऐसे बंदे भी हैं जिनको अल्लाह ने बेशुमार खूबियों से नवाजा, और इन खुशकिस्मत बंदों में मेरे दोस्त मोहम्मद यासीन का सैयद यासीन बख्तियार साहब की तारीफ इसलिए हो रही है कि वो एक टीचर थे और इंशाल्लाह अपने बाकी टीचर हैं वही काम करते रहेंगे जिससे कौन की जरूरत है। उस्ताद का हो, प्रोफेसर का हो, लेक्चरर का हो या टीचर का हो, वो लफ्ज अपने आप में ही बड़ी तारीफ है। उसके नाम का लिखा है वो इंसान बच्चों को प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट और आलिम बनाता है, वो तो अपने आप में भी उनका क्रिएटर है, और क्रिएटर की तारीफ बड़े बड़े लोगों के साथ में हमें पर इतना ही सोचना है कि हमने अपने उस्तादों से कुछ सीखा है, बदलाव से कुछ सीखा है या नहीं, और अगर सीखा है तो उसका अमल कर रहे हैं
और जो नहीं सीखा वो बदकिस्मत। सीखना सिर्फ साइंस क्लास किए केमिकल एनालिसिस या फॉर्मूले या मैथमेटिक्स के हिसाब किताब, ये तो एक किताबी एजुकेशन हुआ, उसके साथ साथ में जो कॉपी किताबें हैं उसमें जो रूहानी बातें और एक कैरेक्टर बनाने का काम करता है और वो टीचर से जो इम्पार्ट होता है उसमें से एक हमारे शायद यासीन साहब हैं जिनकी तारीफ हमने बहुत सुनी है। एक काशर अदबी हवाले से एक बार फिर दरअसल शहर में हाजिरी मुकदर हुई है और दूसरे इंतखाब के इस हाजिरी का सबब भी अजीज मोहतरम डॉक्टर सैयद यासीन लाइन का आदर्श साथी बने। बहुत ज़्यादा लंबी गुफ्तगू करने का हमें मौका है और मैं मौजूद मुख्तसर ये समझिए कि मालिन का जो लफ्ज़ है ये इल्म से रिश्ता है, इल्म से बना है और इल्म अल्लाह की सिफत है इंसान की नहीं। इल्म अल्लाह की सिफत है इंसान की सिफत नहीं है। इंसान की सिफत जहल जहालत है, ये मैं नहीं कह रहा, ये अल्लाह तबारक व तआला खुद फरमाता कुरान कहता है अल्लाह अखरजकुम मिन बुतून उम्महातिकुम ला तअलमून शैया। जब तुम लोग अपनी माओ के पेट से पैदा किए गए तो कुछ भी नहीं जानते थे, जाहिले मुतलक थे, तुम्हें तो ये भी पता नहीं था कि पाखाना खाने की चीज नहीं है, लेकिन तुमने माँ के पेट में खा लिया था। निगाह ने यासीन को डॉक्टर यासीन डॉक्टर राही यासीन बनाने में मदद किया। मेरी 48 साल टीचिंग लाइफ, मेरी 48 साल मौलिम की सर्विस में शायद ही मैंने ऐसा शागिर्द पाया, ये मेरी खुशनसीबी है, ये मेरी खुशनसीबी है। In mathematics, in poetry, in translation, in love and affection to the people of all castes and creeds without any differentiation. मैं फख्र महसूस करता हूँ, मैं बड़ा खुशनसीब हूँ कि बहुत कम ऐसे शागिर्द मिलते हैं और खुशनसीब इसलिए भी हो कि शायद हुआ जो शागिर्द मोहम्मद यासीन डॉक्टर सैयद मोहम्मद यासीन राही त्रासदर की शक्ल में आज मेरे सामने मौजूद है। मैं दुआ करता हूं कि मेरी उम्र से भी लंबी उम्र इनको मिल जाए। मेरी 77 साल उम्र से दुगनी उम्र अल्लाह ताला इनको दे और बकिया जिंदगी जो रिटायर यासीन राही त्रासदर का।
हसी सब लोग बोल रहे हैं कि सर के बारे में बता रहे हैं कि प्रोफेशनल लाइफ कैसा था स्कूल में हाउ ही वाज बट बीइंग मदद करना हम सीखें।
बारे में कुछ ऐसा होया सूरज को चढ़ा दिखाने को चढ़ा दे अलबत्त मुझे कहा गया कि पहले से चाहते लाभ में क्या उनका देखा तो वक्त का लिहाज रखते हुए मुख्तर अंदाज के मुताबिक जुटा मैं रखूँगा क्योंकि राम याचिक राज्य सरकार तालीमी और तदरीसी खदमात का दायरा आपके पास टीचिंग के वो मेथडोलॉजी तालीम के इल्म को खुशगवार बनाने और बच्चों में दिलचस्पी पैदा करने का एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्किल मौजूद रहा एक्स्ट्रॉर्डिनरी मेहनत लगन और कई बच्चों की जिंदगियों पर गहरे असरान आपको पहली और क्लासरूम से बाहर उन जैसे कई बच्चों की आप में सरपरस्ती और रहनुमाई का फरीदा अंजाम दिया। बहुत कुछ आप लोगों ने कहीं मुकद्दर से सुना आपने बहुत कुछ तो ये जो सैनल होता है या रिटायरमेंट होता है ये एक गवर्नमेंट की तरफ से एक लाजिम बनाया गया है कि 7 साल के बाद जो है अपने पौधे से उसको सबक दूर होना लेकिन मैं समझता हूँ कि टीचर कभी रिटायर नहीं होता है। टीचर अपनी आखिरी सांस तक पढ़ते और पढ़ाते रहता है। मुझे इस बात की खुशी है कि यहाँ हमारे पास स्टूडेंट्स जो है एक टीचर को याद करके उनकी इज्जत अफजाई के लिए इतना सब अरेंज किया है। मैं उन तमाम बच्चों का बहुत शुक्रगुजार हूँ और ये ऐसा जमाने कदीम से ऐसा होते आया है कि लोग उस्तादों की इज्जत करते आते हैं। जब मेरी मामा बात और विनायक शेख मेहमान खसूसी एजाजी मेहमाना और इसकराम शहजान दरगाह जिन्हें अदब नवाज कहा जाता है मेरे शागिदान और शहर मुकाम से मेरे साथी दीगर महान से यासिन अली की मोहब्बत में अपने तमाम कामों को बनाए का रखते हुए आज के दिन यहाँ पहुंचे उन तमाम का एक गहराइयों से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। ये प्रोग्राम जिन बच्चों ने मेरे लिए अरेंज किया है मैं उन तमाम मेरे असिस्टेंट शागिर्दान का एक गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। आपके तरफ से पेश किए जा रहे हैं इन दुआओं के साथ।
कहलाता था। सर के सम्मान को कबूल करवाए, सेहत को आगे के साथ उम्र दराज का फरमाए।
आगे देखो सर, ओके देखो आगे। खुशी से आने वाली मॉडर्न खबर की जो 19